लेडी डोन अनुराधा चौधरी से शादी के लगभग 4 महीने बाद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक बार फिर जेल की सलाखों से बाहर निकलेगा। शादी की तरह इस बार भी उसकी सिक्योरिटी बेहद टाइट रहेगी। कोर्ट से उसे मात्र 6 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है। जेल से बाहर आते ही शादी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान उसे अपने निगहबानी में ले लेंगे। परिंदे को भी उसके पास भटकने की इजाज़त तक नहीं होगी। वहीं दिल्ली पुलिस के बाकी जवान उस पर नज़र रखेंगे कि काला जठेड़ी की वजह से कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़े। काला जठेड़ी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 6 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है। बुधवार को दवाई की जगह गलती से कीटनाशक पी लेने की वजह से उसकी माँ कमला का निधन हो गया था। काला जठेड़ी की मां पिछले कुछ समय से बीमार थी और उसकी दवाइयां चल रही थी। कीटनाशक पी लेने की वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद काला जठेड़ी ने कोर्ट में याचिका दी और उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पेरोल भी मिल गई। आज से लगभग 4 महीने पहले ही काला जठेड़ी ने लेडी डोन और रिवॉल्वर रानी के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी के साथ शादी की थी। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई इस शादी के बाद बैंक्वेट हॉल के किले में तब्दील कर दिया गया था। उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी का भी लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और कोर्ट को लिखित आश्वासन दिया है कि अब कभी जुर्म की दुनिया में वापस नहीं लौटेगी। शादी के अगले दिन काला जठेड़ी ने द्वार पूजा की रस्म के लिए कोर्ट से पेरोल मांगी थी, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए जाने के बाद उसकी पेरोल रद्द कर दी गई। इसके बाद से ही काला जठेड़ी सलाखों के पीछे है। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका इलाके में 12 मार्च को हुई शादी में अनुराधा चौधरी के साथ साथ फेरे लेने के वाले काला जठेड़ी ने अपनी मां को सुधरने का वचन दिया था। उसने अपनी मां से कहा था, सब कुछ ठीक है मां, अब कुछ गलत नहीं होगा, मैं वचन देता हूँ कि आगे से किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करूँगा। इस बात की जानकारी खुद उसकी मां ने मीडिया को बताते हुए दी थी। वहीं अनुराधा को लेकर परिवार के लोगों ने कहा था कि उसके घर में पढ़ी लिखी और अच्छे व्यवहार वाली बहू आई है। सिक्योरिटी के चलते काला जठेड़ी की शादी में केवल उन्हीं लोगों को शामिल होने की इजाज़त थी जिनके नाम से पुलिस में पहले से लिस्ट मौजूद थी। ऐसे में अब फिर से काला जठेड़ी पुलिस कस्टडी में, पेरोल मिलने के बाद पुलिस वालों के साथ अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होगा। अपराध जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।